महाकुंभ से पहले एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई, एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, लेकिन महाकुंभ पर नजर क्यों है आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो पूरे एजेंडे क्या है सनातन का, क्योंकि विरोध करना एक पूरा गैंग है जो सनातन विरोध में लगातार साजिश रच रहा है। हिंदू आस्था पर क्योंकि चोट करनी है इसीलिए इस तरह का एजेंडा तैयार किया गया है, हिंदुत्व पर अटैक करना है इसीलिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें चौथा एजेंडा क्या, इस्लामीकरण एक बड़ा एजेंडा है और इसीलिए यह पूरा ताना बाना बुना जा रहा था मदरसे के अंदर, कैसे वहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे, देश पर क्योंकि कब्जा जमाना है यह एक बड़ा एजेंडा है। तो ये तमाम एजेंडे हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों महाकुंभ पर चोट करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस बुरी साजिश को बुना गया, लेकिन इसका हो गया महाकुंभ से पहले बड़ा खुलासा। तो देखिए महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व है और इस महापर्व में शामिल होने के लिए देश दुनिया से सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो आते हैं और ऐसे में तैयारियां जो है व्यापक रूप से की गई है। लेकिन इसके अलावा देखिए खबर ये मिल रही है कि कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जो है इस महाकुंभ मेले में सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से जाँच वहां पर हो रही है, नजर रखी जा रही है और यही वजह है कि अब जाँच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ATF और NIA लगातार जो है जाँच में जुटी हुई है, तैयारी कर रही है, लेकिन इसी के बीच योगी का बुलडोजर जो है वो दहाड़ मारने के लिए भी तैयार है। खबर क्या है रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ से पहले ही सनातन के इस पर्व के खिलाफ जब साजिश का फांडाफोड़ हुआ तो हमारी टीम मदरसे में चल रहे इस गोरख धंधे का एक्सरे करने के लिए प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। में नकली नोट छापने वाले मदरसे के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएं तो यही वो मदरसा है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था, जामिया हबीबिया करके ये मदरसा है। जब हम मदरसे में पहुंचे तो हमें वहां इस अवैध मदरसे के क्लर्क मिले जिन्होंने ये साफ कर दिया कि इस मदरसे में नकली नोट बनाने की साजिश बीते एक या दो महीने से नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही थी। ऊपर जाने से मना किया गया था करीब 3.5 साल से। अच्छा, क्या आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे? हाँ, कोई नहीं जाता था। इस मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल समेत 4 लोग मिलकर जाली नोट बनाने का ये काम कर रहे थे। 100-100 रुपए के नकली नोट यहाँ छापे जाते थे। मौलवी मोहम्मद तफसीरुल ने ही आरोपियों को यहाँ नोट छापने की जगह दिलाई। बीते 3 महीने से ये सब कुछ मदरसे में चल रहा था लेकिन कानो कान इसकी किसी को खबर नहीं थी। आरोपियों ने बताया कि 100-100 रुपए के नोट ही यहाँ पर छापे जाते थे क्योंकि इन्हें बाजार में खपाना आसान होता था। लेकिन इनका ये प्लान यहीं खत्म नहीं होने वाला था, इनका एजेंडा बड़ा था, इनका टारगेट था महाकुंभ। इनकी साजिश नकली नोटों की इस बड़ी खेप को महाकुंभ में खपाने की थी। मदरसे में बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद एक खाली कमरे के अंदर नकली नोटों की छपाई की जाती। प्रयागराज पुलिस को पिछले कुछ दिनों से अपने खुफिया सूत्रों से खबर मिल रही थी कि बाजार में कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और नकली नोटों के इस गैंग के तार एक मदरसे से जुड़े हुए मिले। जब सारे सबूत पुख्ता हो गए तो पुलिस ने फोर्स के साथ मदरसे पर छापा मारा और महाकुंभ से पहले ही इन आरोपियों की साजिश का फांडा फूट गया। क्या ये एक बड़ी साजिश थी? चूंकि जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं महाकुंभ में इन नोटों को चलाने का बहुत बड़ी साजिश थी कि इन नोटों का जो इस्तेमाल है वहां पे किया जाएगा, जिसके चलते पुलिस को कुछ सूचनाएं मिली और उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इस पूरे नेक्सस को पकड़ा है। इस कार्रवाई के बाद सबसे पहले मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन को पद से हटा दिया गया है। बताया गया कि इस प्रिंसिपल का परिवार मदरसे की पहली मंजिल पर रहता था और इसी मंजिल पर जाली नोट बनाने का काम होता था। वहीं दूसरी तरफ तलवार इस मदरसे पर भी लटक गई है क्योंकि यह गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, यह अवैध रूप से चलाया जा रहा है। यह मामला सामने आने के बाद जल्द से जल्द मदरसे को सील किया जा सकता है और इस पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। मदरसे का कैंपस है पूरा और अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट गई है इसके जो नक्शा है उसको लेकर भी अगर नक्शा सबमिट नहीं माना जाएगा तो उसके बाद बुलडोजर का एक्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है।
मकसद चाहे कुछ भी हो, ये तो साफ हो चुका है कि इस मदरसे में अब तक लाखों रुपए की कीमत के नकली नोट छापे जा चुके हैं। इनका टारगेट छोटी मोटी दुकानों पर नोट चलाने का नहीं था, बल्कि महाकुंभ जैसे बड़े सनातनी मेले में इन्हें खपाने का था और देश को खोखला करने का इनका मकसद था, जिससे पहले ही योगी की पुलिस ने चकनाचूर कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, झारखंड की राजनीति में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है और इसी कड़ी में चंपई सोरेन, जिनको कोलान टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ बीजेपी जो है अब चंपई सोरेन के साथ मिलकर झारखंड में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ चंपई सोरेन के भी कुछ अपने अलग प्लान्स हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। रांची के शहीद मैदान में मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीखी धूप और समर्थकों के भीड़ के बीच चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे, टाइगर जिंदा है के नारों ने झारखंड की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का भाजपा में आना राजनीतिक रूप से सधा कदम माना जा रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी कहने से नहीं झिझके कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरा पीछे जासूसी सिक्योरिटी के नाम पर जी। जो हमको कुछ पता नहीं है कि सिक्योरिटी कौन है। मेरा ऊपर इतना अविश्वास हो गया, इसलिए इतना नीचे स्तर गिर के कोई अगर जासूसी करवा रहा है तो हम तो संघर्ष करने वाला आदमी है जी। और संघर्ष करने से बहुत चीज हम देखा हुआ है, इसलिए हमारा मन कभी भी नहीं घबराया। उनका स्वागत करता हूँ। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की, उससे झारखंड को मुक्त करेगी। मंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंपई सोरेन के साथ एक विशेष शख्स भी दिखा, जिनका सियासी कद भी अचानक बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका नाम है बाबूलाल सोरेन, जिनकी आज तक पहचान चंपई सोरेन के पुत्र के रूप में थी। चंपई सोरेन को जिस कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, उस प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस प्रमंडल में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ है। आप बोल रहे हैं जेएमएम बास का बीड है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरु जी का फॉलोअर थे, गुरु जी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा?